हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूफेलेक सॉल्यूशन के बारे में, यानी लैक्टुलोज का जो सिरप होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लैक्सेक्टिव जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे आज इस वीडियो में। इसके क्या उपयोग हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कितना डोज दिया जाता है, संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हम आज का वीडियो, ड्यूफेलेक सिरप के उपयोग क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ड्यूफेलेक सिरप है ये एक लैक्सेक्टिव होता है जो कि पेट साफ करने के लिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका काम है कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करता है और जो स्टूल होती है यानी मल होता है उसको सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। ड्यूफेलेक जो होता है इसकी मदद से बॉवेल मूवमेंट बढ़ जाता है पर डे, जिससे कि स्टूल के सॉफ्टनेस में मदद मिलती है और पेट साफ आसानी से हो जाता है। अब बात करेंगे इसके डोज की और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसको बाय माउथ लेना है और कब्ज के लिए दिन में एक बार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार दो बार भी लिया जा सकता है। इस सिरप को फ्रूट के जूस के साथ, पानी के साथ या दूध के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। अब बात करेंगे डोज की कि कितना लेना चाहिए। तो जो एडल्ट डोज है इसका, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो 15 से 45 ml आपको डेली लेना चाहिए। इसका जो मेंटेनेंस डोज है 15 से 30 ml होता है, जो कि एक से दो टाइम लिया जा सकता है। इसके बाद ये जो सिरप होता है कॉन्स्टिपेशन के साथ में, कॉन्स्टिपेशन अगर है आपको तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। इसके बाद कुछ फाइबर्स वाले फूड आपको लेने हैं और फ्रूट्स लेना चाहिए इसके साथ में। अब बात करेंगे ड्यूफेलेक के साइड इफेक्ट्स की। तो ये जो सिरप है इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ब्लॉटिंग होना, गैस होना, स्टमक में पेन होना, डायरिया की शिकायत भी हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अब देखेंगे कि ड्यूफेलेक सिरप के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी इस सिरप को हमें कब कब लेने से बचना है। तो कुछ कंडीशन है जैसे गैलेक्टुलोज डाइट की कमी है, जिसे हम गैलेक्टोसेमिया कहते हैं। इसके अलावा अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी तरह का आपकी इंटेस्टाइन में, पेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने से बचना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है इसके किसी भी सब्सटेंस से या इस ड्रग से, एक्सिपिएंट से, तो आपको ये दवाई नहीं लेना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।